अस्सलाम वालेकुम, आई एम माहम। ब्रेन लीड्स यू टू हेवन और हेल। एक न्यू बॉर्न बेबी को अगर पैदा होने के बाद एक ही घर या एक ही कमरे में 20 साल तक रखें, जहां उसके जीने की बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जाएं, तो क्या वो मुआशरे में जाकर अपना किरदार दूसरों की तरह अदा कर लेगा? नहीं, उसे शायद मज़ीद बाहर की दुनिया को समझने के लिए 20 साल और चाहिए होंगे। और अगर उसे दूसरों से बेहतर परफॉर्म करना है, तो फिर उसे दूसरों से कई गुना ज़्यादा रफ्तार के साथ अपने दिमाग पे कई साल काम करना होगा। समझदार वही कहलाता है जिसे दुरुस्त और गलत की समझ है। इंसानी जिस्म में दिमाग ही एक ऐसा उज्व है जिसे बड़ा सोचने के लिए बनाया गया है, और बड़ा सोचने के लिए उसे तरबियत देना होगी। ये तरबियत ब्रेन ग्रूमिंग कहलाती है। दिमाग का एक पैटर्न वो है जो इंसान को हवा से खमसा यानी 5 सेंसेस से मिलता है, लेकिन जो अपने दिमाग का पैटर्न वक्त के मुताबिक खुद डिज़ाइन करते हैं, उनके लिए दुनिया के चैलेंजेस से निपटना भी आसान होता है। जो लोग अपना लाइफ एक्सपोयर बढ़ाने पर तवज्जो ज़्यादा देते हैं, एक वक्त में जाकर लोग उन्हें रहनुमा का दर्जा दे देते हैं, और इसके लिए नॉलेज और कीन ऑब्जर्वेशन दोनों का एक्सपैंड होना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने अपने दिमाग को ताकतवर बनाने, उसकी सलाहियत को बढ़ाने और दिमाग को दुरुस्त इस्तेमाल करने के लिए खुद पर मेहनत की, तारीख ने उन्हें याद रखा। मुस्बत और बड़ी सोच के लिए दिमाग के पैटर्न को हर लम्हा दुरुस्त फैसलों से और बेहतरीन अमल से डिज़ाइन करने पर खुद को कन्विंस किया जाता है। सही गलत की पहचान मुताले से होती है। इल्म होगा तो ही सही अमल भी होगा। हमारे खालिक ने हमें एक इंसानी जिस्म की सूरत में एक पेचीदा मशीन बनाकर भेजा है। उसका मैनुअल समझने के लिए वक्त की मुनासबत से 4 मुकद्दस किताबें भी उतारी और अंबिया और औलिया भी भेजे, ताकि लोग वक्त के चैलेंजेस से निपटने की मुस्बत ज़हनी और कल्बी सलाहियत हासिल कर लें। इसके अलावा दुनियावी उलूम पर अनगिनत किताबें लिखने वाले भी दुनिया में भेजे गए, जिन्होंने हुस्ने मौशरत से मईशत तक की तरबियत पर बहुत कुछ लिखा। क्या हमारे पास वक्त है कि हम अपने दिमाग को बेहतर और बड़ा सोचने के लिए किताबों से रहनुमाई हासिल कर सकें? क्या कंप्यूटर के विंडो 95 एप्लीकेशन सिस्टम के साथ आज की तकनीकी ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं? कुरान में अल्लाह ने सादा से अल्फाज में इंसान को अपने दिमाग पर मेहनत करने की तरगीब दी और फरमाया, क्या अहले इल्म और जाहिल बराबर हो सकते हैं? रीडिंग बुक्स, कीन ऑब्जर्वेशन, ट्रैवलिंग, गेटिंग सोशल अवेयरनेस, जॉइनिंग ट्रेनिंग सेशंस, लिविंग अमंग सेंट्स एंड वेल अवेयर्ड पीपल एंड इंटरेक्शन विद पीपल, ये सब आपके वीएन को बढ़ाता है। ब्रेन पैटर्न जब बेहतर से बेहतर होता है तो इंसान का वीएन बढ़ता है। लो वीएन और नो वीएन के साथ आप खाना पीना तो कर लेते हैं मगर जी नहीं सकते। लेकिन इंसानी मुआशरे में बहसियत अशरफुल मखलूकात एक मिसाली किरदार अदा नहीं कर सकते। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी तनख्वाह का कुछ फीसद हिस्सा अपनी ज़हनी और ज़ाहिरी शख्सियत को निखारने पर सर्फ करते हैं। मेरा ख्याल है कि खुद पर सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट यही है। मैं इलामा मोहम्मद इकबाल का एक शेर यहाँ लाजमी शेयर करूँगी, क्योंकि इसमें उन्होंने हमें शख्सियत को बेहतर करने के लिए तरगीब दी है। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। यानी इंसान जब पैदा हुआ था तो ना वो रूहानी शख्सियत था और ना ही जहन्नुमी, बल्कि उसने अपने ब्रेन पैटर्न को डिज़ाइन किया और उसके मुताबिक अमल किया, और फिर इसके मुताबिक इसके जजा व सज़ा का फैसला हो गया।
कामयाबी दुनियावी हो या उखरवी, इसके लिए हमें अपने दिमागी सलाहियतों को निखारने पर तवज्जो देनी होगी। मुआशरे में हमें बेहतरीन अमल, बेहतरीन किरदार और बेहतरीन कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए अपने दिमाग को रोजाना ट्रेनिंग सेशंस देना होंगे, चाहे किताबों से हो, ऑब्जर्वेशन से हो या किसी गाइड की मदद से। अपने ब्रेन ग्रूमिंग पर तवज्जो नहीं देंगे तो वो आगे निकल जाएगा जिसने खुद को वक्त के साथ ग्रूम किया है। खुद को संवारें, बड़ा सोचें। ये दुनिया तुम्हारी भी है, ये सूरज तुम्हारे लिए भी चमकता है, इस कायनात के तमाम असबाब तुम्हें भी सर्व करते हैं, हर अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए भी है, जिंदगी तुमने भी जीनी है, तुम्हें बस एक काम करना है, इस दुनिया से अपना हिस्सा लेना है, हिम्मत और पूरे वकार के साथ।